हम जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान क्यों एक कौम नहीं है, उसके काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। कुछ मैंने पहले बता चुकी हैं, कुछ मैं आप फिर आपको और बताना चाह रहा हूँ। और ऐसे काफ़ी वाक़यात आप लोगों के सामने आए होंगे जहाँ पे आप लोगों को महसूस हुआ होगा वाकई यार कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने वतन के साथ, हम क्या कर क्या रहे हैं अपने वतन के साथ, हम पाकिस्तानी होने के नाते हम वाकई पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं है। और आप लोग मेरी इस बात से बहुत एग्री करेंगे क्योंकि जब आप लोग देखेंगे कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वाकई सच्ची हैं और मेरे हाथ से आप लोग उस पर एग्री भी करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कोई बंदा जब तक कोई उनको उनके बारे में बुराई करे या उनके तंकीद करे, हर बंदा बस ये चाहता है कि हर बंदा मेरी वाह वाह करे, हमारी वाह वाह हो, कुछ ना हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं बात करूँगी रियलिटी बेस पे ताकि आप लोगों को वाकई पता हो कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हम एज ए नेशन, हम एज ए कौम, हम वाकई हैं भी हैं कि नहीं है। और बहुत ही अफसोस है मुझे कहना पड़ता है कि हम वाकई ही पाकिस्तानी नहीं है, हम वाकई कौम नहीं है। क्यों मैं बताता हूँ, आज भी अभी जाकर देख लें, कोई भी एम्बेसी जाकर देख लें, उसके बाद कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आपको पूरा पूरा साल अपॉइंटमेंट मिल रही है अमेरिका की वीज़े की। क्यों? क्योंकि इतनी इतनी जो लोग हैं उसके भी लाइन में लगे हुए हैं। इस तरह बाकी कंट्रीज़ हैं, हमारे तो ये हालात पैदा हो गए हैं कि हमें कुछ मुल्कों ने साफ साफ लिख दिया है कि हमने पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना। कि इस अंदाज़ा लगा हमारी क्या औकात है, हमारी क्या इज्जत है हमारे माशरे में, हमें लोग कैसे, ठीक है, हमें लोग कैसे हमारे बारे में सोचते हैं। और ये सब सही कहते हैं वो, बिल्कुल उनको पता है कि पाकिस्तानी इतनी है, वो मतलब पाकिस्तानी को है ही नहीं है, हम सिर्फ नाम के हैं। इस आपने सुना होगा वो कहते हैं कि हम पैदा होते हैं, ठीक है, पैदा हमारे कुछ हम बाहर जाएँ, बाहर कमाएँ, सब कुछ बाहर के, हाँ से जब हम मरें और जब हम फोत हों तो हमारी कब्र जो है पाकिस्तान में बने, बस हम ये चाहते हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तान में बिल्कुल रहना चाहते हैं, छोटा है, बड़ा है, बाबा है, जो भी है, बुढ़ापे में जिस तरह भी है, हर बंदे कुछ हम किसी तरह पाकिस्तान से बाहर जाएँ बस। और वैसे इसी वजह से हम लोगों को पता है हम इतनी सस्ती कौम हो चुकी हुई है, उससे सबको पता है कि हम एक 1,000 रुपये से लेके एक बिरयानी के डिब्बे तक पे बिक जाते हैं, हम वो वाहिद कौम है। और ऐसे कई वाक़त आप लोगों के सामने आए होंगे कि जहाँ पे आप लोगों को लगा होगा बाकी यार हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, मुझे बताएं कि क्या आप में से कोई बंदा भी जो उसे ना उसके वाले आवाज़ उठाया हो, बस सब बंदे अपने सुकून से दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे लाइन में लग के जलील हो जाएंगे अपने हक के लिए, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हम सब इकट्ठे होके बाहर निकलें अपनी आवाज़ को जो सब बुलंद करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही वजह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो लोग ऊपर को पता है कि पाकिस्तान की कौम जो सिवे कौम नहीं है, वो बिल्कुल खोखली है, वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इनको जितना मर्जी दबाओ, इनको जितना मर्जी इनसे जुल्म कर लो, जितना मर्जी इनसे ज्यादती कर लो, ये लोग कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और यही वजह है कि आज ऐसे लोग हम पे जो सर हुक्मरानी कर रहे हैं, यही वजह है कि जिसका दिल चढ़ता है वो उठ के आके हम पे हुक्मरानी कर सकते हैं। उनको पता है या जिसके पास चार पैसे हैं वो आता है आके आप लोगों के पैसे, उनको पता है 1,000 रुपये का 1,000 रुपये की जेब डालो, यहाँ उनको एक बिरयानी का डब्बा खिलाओ, ये लोग जो से आप लोगों के नारे मार लेंगे। और खुदा के लिए अपने लिए जागो, खुदा के लिए अपने लिए नहीं तो जो आपके आने वाली नस्लें हैं, आपके जो छोटे बहन भाई हैं या आपके बीवी बच्चे हैं, जो जिन्होंने कल बच्चों को जिन्होंने जो बड़ा होना है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके लिए कुछ करते हुए जाओ ताकि वो आपको याद रखें कि हाँ हमारे बाप नहीं, हमारे बड़े भाई नहीं, किसी ने दोस्त ने कुछ किया है। तो मेरे भाइयों बाहर निकलो अपने इस वतन के लिए, अपने खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर जो है ना, कम से कम कुछ करके जाओ ताकि आपको याद रखें। और जो अपनी इज्जत हमने हमारे पाकिस्तान में, जो हमारे पाकिस्तान के बाहर जो हमारी इज्जत है, जो कुछ इज्जत तो है ही नहीं, उसकी कोई इज्जत बनाओ ताकि बजाय इसके कि हम बाहर जाके हमें लोगों को लाइन में लगना पड़े, हमें फ़ौर हो, हम किसी को बता सकें यस आई एम पाकिस्तानी, हम जाके बता सकें ये चीज़। तो हम सबसे ये गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए यार, इकट्ठे हो के एक हो, हम एक हो गए ना तो यकीन माने कोई माई का लाल जो है ना हमें हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन हम क्योंकि हम एक नहीं है, इसका जिसका दी चाहता है जो मर्जी बकवास करता है हमारे बारे में, जो मर्जी बोलता है, जो मर्जी कहता है हमें, हम चुप करके उसको बर्दाश्त करेंगे। हमें पता है कि हम सबको पता है हमारे पीछे कोई भी नहीं है, हम यहाँ लड़ भी लेंगे ना, हमें पता हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, बजाय इसके हमारे पीछे कोई आएगा, हमारी वीडियो बनाएंगे, हमारी तस्वीरें बनाएंगे, बस ये कहेंगे किस तरह वो उनको वायरल हो, उनको सस्ता फेम मिले, हम वो कौम है। तो आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए हुदारा 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 अपने इस वतन को बचाओ, अपने इस वतन के लिए कुछ कर जाओ। अगर पाकिस्तान है हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, हमारे हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें कोई दुनिया का मुल्क वीज़ा नहीं देना चाह रहा प्रॉपरली। हम देखो ना किस तरह कोई स्टूडेंट वीज़ा भाग रहा है, कोई पैसे लगा के भाग रहा है, कोई डंकी लगा के भाग रहा है, किस तरह बस यहाँ से भाग रहे हैं, हम सबको पता है। तो मेरे भाइयों अपने ये वतन है, यहाँ पर जो आज़ादी है, चाहे आप लोग के पास खाने को पैसे नहीं है, जो भी नहीं है, लेकिन कम से कम आज़ादी रह रहे हो, और बाहर जाकर जो गुलामी से ये आज़ादी बेहतर है मेरे भाइयों। खुदा के लिए कुछ सोचो अपने बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में, अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचो और कुछ करो। यही मौका है हमारे पास, यही टाइम है। अगर अपना कुछ किया
तो आगे हमारे पास हमारा वतन शायद रह ना रहे, हमें नहीं पता, हमें जो हालात पैदा कर लिए हैं, इसलिए बजाय इससे पहले कि वतन टूट जाए, इससे पहले हमको ऐसे हालात पैदा कर लें कि दूसरे लोग वापस आकर हमें हुक्मरान नहीं करें, हम खुद ही इकट्ठे होके एक होके बाहर निकले, उनको बताएं कि हम लोग वाकई पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान।